अगर आपको सीरियसली में पैसा बनाना है ना, तो भैया सीधी सी बात है, आपको बाजार को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये बाजार कैसे चलता है, ये बाजार किन नियमों पर चलता है, उन सारे नियमों के बारे में बात करते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि बाजार बनता कैसे है, बाजार होता क्या है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो एपिसोड 4 में बेसिक टू एडवांस लेवल के आज हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, आज बेसिकली हम लोग आने वाले हैं, अब सीधा सीधा आते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में, सीधा सिक्योरिटीज मार्केट में, कि सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या क्या बातें करनी है और किस तरीके से इस बाजार को समझना है। हमने बेसिक में बहुत सारी बातें कर ली हैं, हम सीधा एग्रेसिव ट्रेडिंग पर आते हैं, हम सीधा अब यहां से बातें करना शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो की सीरीज को लगातार देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फटाफट बातें शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको सिक्योरिटीज मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैसी स्किल्स होनी चाहिए, क्या बातें आपको बाजार के बारे में समझनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग जिनको हम लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर और दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी कई तरह के हो सकते हैं जो कि अपने गोल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, यानी कि वो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो सकता है जो छोटे समय के लिए पैसा मार्केट में लगाता है और फिर मार्केट से बाहर निकल जाता है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बहुत लंबे समय तक बाजार में टिके रहता है। लेकिन हम ये सारी बातें करेंगे कि पोजिशनल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग इस सीरीज में आगे चल के करने वाले हैं। तो अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, एकदम बेसिक कुछ नहीं पता है आपको बाजार के बारे में, लेकिन फिर भी आप बाजार से पैसा बनाना चाहते हैं, तो सीधी सी बात याद रखिएगा, कहीं से भी किसी भी बिजनेस में अगर आपको पैसा बनाना है तो उस बिजनेस की बारीकियों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आप जैसे कोई सपोज करिए कि शॉप खोलने वाले हैं, वो शॉप अगर रिटेल ग्रोसरी स्टोर है तो आप उसकी बारीकियों को समझते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी एक सीरियस बिजनेस है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं, ये कोई जुआ नहीं कि कहीं से भी कैसे भी किसी से भी एडवाइस ले लिया, टिप्स ले लिया, खुद ही के बलबूते कहीं से भी इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपको सीरियसली में पैसा बनाना है ना, तो भैया सीधी सी बात है, आपको बाजार को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये बाजार कैसे चलता है, ये बाजार किन नियमों पर चलता है, उन सारे नियमों के बारे में बात करते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि बाजार बनता कैसे है, ये बाजार होता क्या है। देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट इज समथिंग लाइक बाजार क्या है, बाजार हमारे और आपके अंदर से ही शुरू होता है। ये तो बातें तब शुरू हो गई थी, अब तो स्टॉक मार्केट है, लेकिन जब इंसान बोल भी नहीं पाता रहा होगा, जब इंसान सही में बंदर रहा होगा, तो उस समय कैसा रहा होगा, उस समय भी अगर किसी को सपोज करिए कोई एक ऐसा पत्थर मिल गया, कोई कीमती पत्थर, चमकीला पत्थर जो कि देखने में अजीब सा है और दूसरे किसी के पास नहीं है, तो वो उस पत्थर के बदले ही बहुत कुछ हासिल करना शुरू कर दिया होगा और यहीं से शुरुआत हुई ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग आज के समय में लिस्टेड स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की होती है, बॉन्ड्स की होती है और कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। हम बेसिकली स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर से बात शुरू करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे शुरू होता है। इंडिया में, भारत में स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर होता है उसको हम लोग कहते हैं सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या है, सेबी का काम है रेगुलेशंस बनाना, नियमों को बनाना, यानी कि अगर बाजार में कोई भी बाजार से रिलेटेड नियम होगा तो उन नियमों को रेगुलेट करना, बनाना, ये सेबी का काम होता है। सेबी के अंडर में कौन आता है, सेबी क्या क्या चीजें फॉर्मेट कर सकती है, सेबी एक्सचेंजेस को फॉर्मेट कर रखा है, यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम सुन रखा है, इसके अलावा भी और इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं NSE एंड BSE के अलावा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दो मेजर एक्सचेंजेस हैं जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, जिसको आप आमतौर पर निफ्टी या सेंसेक्स के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि ये इनके इंडेक्स है लेकिन फिर भी मैं इस बारे में आगे बात करूंगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ट्रेड करते हैं ना, उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको लगता है आपने अपना डीमैट अकाउंट किसी जगह पे ओपन कर रखा होगा, किसी ने ज़ेरोडा में ओपन कर रखा होगा, किसी ने अपस्टॉक्स में ओपन कर रखा होगा, किसी ने एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर रखा होगा, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप ज़ेरोडा पे ट्रेड कर रहे हैं या एंजल पे
ट्रेड कर रहे हैं, बट नो, दीज ऑल आर जस्ट प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मीडिएटर्स हैं, इनको इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकर। तो एक्सचेंजेस के अंडर में कौन आते हैं, एक्सचेंजेस के अंडर में आते हैं ब्रोकर्स। यानी कि सेबी ने एक नियम बनाया, वो नियम क्या बनाया कि अगर आपको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते, आपको अपने ट्रेड्स लेने के लिए किसी भी ब्रोकर के यहां डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट कैसा होता है, यह आमतौर पर आपके बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, लेकिन डीमैट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में आपके फंड्स होते हैं और दूसरे पार्ट में आपकी सिक्योरिटीज होती है, यानी कि शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स आप परचेज करते हैं और बेचते हैं वो सिक्योरिटीज एंड शेयर्स होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, तो सबसे पहला काम आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ओपन कर सकते हैं, हर एक ब्रोकर के अपने अलग अलग फीचर्स हैं, अपने अलग अलग नियम है और अपनी अलग अलग ब्रोकरेज की स्टाइल है। ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप ब्रोकर के टर्मिनल पर ट्रेड करेंगे तो ब्रोकर उसके बदले में आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा, कुछ पैसे वसूल करेगा। ब्रोकरेज किस लिए चार्ज करेगा, ताकि वो अपने खर्चे चला पाए और आपको प्रॉपर सर्विसेज दे पाए। ब्रोकर का काम क्या होता है, ब्रोकर का काम सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेड को आपसे कलेक्ट करके एक्सचेंज तक पहुंचा देना होता है। साथ ही इन्हीं के साथ ही जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का नाम है NSDL एंड CDSL। NSDL और CDSL क्या होते हैं, NSDL और CDSL, ये क्लियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं। अब आपका काम क्या है, आपका काम है गूगल पर जाना, ढूंढना कि NSDL और CDSL का फुल फॉर्म क्या है और कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करना। क्यों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम आप करते रहेंगे ना, तो वो चीजें आपको याद रहेंगी, मैं बताऊंगा तो आप सुन के निकल जाएंगे। तो क्लियरिंग डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, क्लियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है काउंटर पार्टी का रिस्क मैनेजमेंट करना। काउंटर पार्टी रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, जैसे सपोज करिए कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे भैया हम डीमैट में पैसा डालेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा चला जाए, कोई शेयर हमने खरीदा, शेयर हमारे डीमैट में आए ही ना, पैसा डिडक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर आप कोई शेयर परचेज करते हैं या फिर कोई शेयर बेचते हैं, तो NSDL और CDSL का काम होता है क्लियरेंस करके उन शेयर्स को आपके डीमैट में पहुंचाना, और अगर आपने कोई शेयर बेचा तो आपके डीमैट से निकाल के वो शेयर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिस व्यक्ति ने उन शेयर्स को खरीदा है, साथ में उस व्यक्ति से पैसे कलेक्ट करके आपके डीमैट तक पहुंचाना। तो ये सारा काम क्लियरिंग डिपार्टमेंट करता है, और इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर छोटे मोटे ट्रेड्स लिए आपने एक दो दिन के या तीन दिन के ट्रेड्स लिए हुए हैं, इस दौरान इन सब के लिए NSDL और CDSL आपको देता है T+2 days का टाइम। T मतलब ट्रेडिंग डे, प्लस 2 ट्रेडिंग डेज मोर, यानी कि T+2 days में ये पैसा या ये शेयर्स आपके डीमैट में आ जाते होंगे। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इस बात से रिलेट कर पाते होंगे कि हाँ यार, मैंने ट्रेड किया था और ट्रेड करने के बाद जब मैंने ट्रेड अपने शेयर्स बेच दिए, तो उन शेयर्स को बेचने के बाद उनका रिफ्लेक्शन, उन पैसे का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मेरे अकाउंट में विदिन 2 days हुआ। ये 2 दिन का समय क्यों लिया जाता है, ये 2 दिन का समय इसलिए लिया जाता है कि अगर सपोज करिए कि आपने कोई एक शेयर बेचा और वो पर्टिकुलर शेयर आपके अकाउंट में थे ही नहीं, या आपने कोई शेयर खरीदा और जिस व्यक्ति ने आपको वो शेयर बेचा है उसके अकाउंट में थे ही नहीं, तो NSDL और CDSL ऑक्शन में जाके वो शेयर्स कलेक्ट करके आपके डीमैट अकाउंट में डालते हैं और पेनाल्टी इंपोज करते हैं उसके ऊपर जिनके पास ये शेयर्स नहीं थे फिर भी उन्होंने बेच दिया या खरीद लिया। हालांकि अब इन चीजों की पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है। अब इंट्राडे में आप बेच करके अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। हालांकि अब आगे की बात करते हैं, जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आप ट्रेडर बन सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेडिंग का ज्ञान होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग चलेंगे सीधा सीधा यहां से मूव करेंगे अपने डीमैट अकाउंट्स की तरफ। अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी तक आपने नहीं ओपन कर रखा है या फिर ब्रोकरेज कितनी होती है ट्रेड करने के दौरान, ये कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, अगर आप ज़ीरोडा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक्स दी हुई हैं, वहां पर जाके आप अपने डीमैट
डीमैट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। और अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी भी ब्रोकरेज फर्म की ब्रोकरेज कितनी होती है, तो आप जा सकते हैं सीधा सीधा इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर। वहां पर ऑलरेडी ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिया हुआ है, जिस ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू आप अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में कितना ब्रोकरेज लगने वाला है। तो अब जब आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, अब आपको अपने ट्रेड्स को कैसे देखना है, इस बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इसको देखने के लिए आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, अगर अभी तक इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दूसरा काम, इंतजार करिए अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्रॉपरली कि हमको ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है, ट्रेड करना कैसे है, बाजार को देखना कैसे है। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।